हामिदपुर से कुचेसर तक होने वाले दो लेन हाईवे का चौड़ीकरण अब ककोड़ व सिकंदराबाद तक होगा। हाईवे का चौड़ीकरण में 155 करोड़ की लागत आएगी। इसका डीपीआर तैयार हो गया है और उसे विश्व बैंक को भेजा जा रहा है। हाईवे का चौड़ीकरण की जद में आने वाले पेड़ों के कटान की वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। विभाग ने पेड़ों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट के श्रेयांकन से पहले अलीगढ़ के हामिदपुर से लेकर बुलंदशहर के कुचेसर तक हाईवे का चौड़ीकरण का प्रस्ताव सेशन को भेजा गया था। बताया गया है कि इस हाईवे हामिदपुर से होता हुआ ककोड़ सिकंदराबाद गुलावटी और बीबी नगर के कुचेसर तक फोर लेन होता, मगर अब इस हाईवे को ककोड़ व सिकंदराबाद तक चौड़ा किया जाएगा। हाईवे की कुल लंबाई 19 किलोमीटर होगी और वैर में एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एजिस इंडिया कंपनी द्वारा हाईवे का डीपीआर बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। करीब 100 से अधिक पेड़ों का कटान होगा। पेड़ों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। हाईवे का चौड़ीकरण होने के बाद इसे हाईवे 100 नाम दिया जाएगा। हाईवे पहले दो लेन का था, अब इसका चौड़ीकरण होगा तो यह फोर लेन की श्रेणी में आ जाएगा, यानी चार लाइन इस पर आसानी से हो सकेंगी। जेवर एयरपोर्ट तक जाने में क्षेत्र के लोगों का सफर सुहावना हो जाएगा। हाईवे चौड़ीकरण में ककोड़, वैर, चमोली, सेलमपुर, जाट, नगला, गोविंदपुर, नूरपुर, दुल्हरा और सिकंदराबाद को जोड़ेगा। कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। ककोड़ से सिकंदराबाद तक हाईवे का चौड़ीकरण होगा। डीपीआर तैयार करके भेजी जा रही है। इसके बाद शासन से हाईवे के टेंडर की प्रक्रिया होगी। वन विभाग से पेड़ों के कटान के लिए अनुमति मांगी गई है।